नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। मैं हरजिंदर कौर सैनी। पहला पेज ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों नूं अंगदान लई अगे आउण दा सद्दा दित्ता। मन की बात प्रोग्राम विच कहा कि नारी शक्ति की ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राण वायु है। मन की बात विच प्रधानमंत्री नाल अपने विचार सांझे करन वाले अमृतसर दे संधु परिवार ने लोकां नूं अंगदान करन दी कीती अपील। कोविड ते इन्फ्लुएंजा दे वधदे मामलों दे चर्चा लई केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कल सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे अधिकारियां दी मीटिंग सद्दी। ते हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा समय विच देश विच अंगदान प्रति जागरूकता वध रही है। आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम दी अज प्रसारित 99वीं कड़ी विच देश विदेश दे लोकां नाल अपने विचार सांझे करदे उन्होंने कहा कि साल 2013 विच 5000 केसां दे मुकाबले 2022 विच अंगदान करन वाले केसां दी गिनती वध के 15000 हो गई है। देश वासियां नूं अंगदान दी अपील करदे आं। प्रधानमंत्री ने अमृतसर दी अबाबत कौर दे मापिआं नाल गल्लबात दे अंश वी सांझे कीते। अबाबत कौर जन्म तो सिर्फ 39 दिनां बाद ही इस दुनिया तो चल गई सी, जिस मगरों उस दे मापिआं ने अबाबत दे अंगदान करन दा प्रेरणादायक फैसला लिया। सुखबीर जी नमस्ते। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। सुखबीर जी, मैं आज मन की बात के संबंध में सोच रहा था तो मुझे लगा कि अबाबत की बात इतनी प्रेरक है, वो आप ही के मुंह से सुनूं। क्योंकि घर में बेटी का जन्म जब होता है तो अनेक सपने अनेक खुशियां लेकर आता है, लेकिन बेटी इतनी जल्दी चली जाए वो कष्ट कितना भयंकर होगा उसका भी मैं अंदाज लगा सकता हूँ। जिस प्रकार से आपने फैसला लिया तो मैं सारी बात जानना चाहता हूँ जी। सर, भगवान ने बहुत अच्छा बच्चा दिया था हमें, बहुत प्यारी गुड़िया हमारे घर में आई थी। उसके पैदा होते ही हमें पता चला कि उसके दिमाग में एक ऐसा नाड़ियों का गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से उसके दिल का आकार बड़ा हो रहा है। तो हम हैरान हो गए कि बच्चे की सेहत इतनी अच्छी है, इतना खूबसूरत बच्चा है और इतनी बड़ी समस्या लेकर पैदा हुआ है। तो पहले 24 दिन तक तो बहुत ठीक रहा बच्चा, बिल्कुल नॉर्मल रहा। अचानक उसका दिल एकदम काम करना बंद हो गया, तो हम जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहां डॉक्टरों ने उसको रिवाइव तो कर दिया, लेकिन समझने में टाइम लगा कि इसको क्या दिक्कत आई, इतनी बड़ी दिक्कत के छोटा सा बच्चा और अचानक दिल का दौरा पड़ गया। तो हम उसको इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ ले गए। वहां बड़ी बहादुरी से उस बच्चे ने इलाज के लिए संघर्ष किया, लेकिन बीमारी ऐसी थी कि उसका इलाज इतनी छोटी उम्र में संभव नहीं था। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसको रिवाइव करवाया जाए, अगर 6 महीने के आसपास बच्चा चला जाए तो उसका ऑपरेशन करने की सोची जा सकती थी, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। उन्होंने केवल 39 डेज की जब हुई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसको दोबारा दिल का दौरा पड़ा है, अब उम्मीद बहुत कम रह गई है। तो हम दोनों मियां बीवी रोते हुए इस निर्णय पे पहुंचे कि हमने देखा था उसको बहादुरी से जूझते हुए, बार बार ऐसे लग रहा था जैसे कि अब चला जाएगी, लेकिन फिर रिवाइव कर रही थी। तो हमें लगा कि इस बच्चे का यहाँ आने का कोई मकसद है। तो उन्होंने जब बिल्कुल ही जवाब दे दिया तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस बच्चे के ऑर्गन डोनेट कर दें, शायद किसी और की जिंदगी में उजाला आ जाए। फिर हमने PGI के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उनमें संपर्क किया और उन्होंने हमें गाइड किया कि इतने छोटे बच्चे के केवल किडनी ही दी जा सकती है। परमात्मा ने हिम्मत दी, गुरु नानक साहब का फलसफा है, इसी सोच से हमने डिसीजन ले लिया जी। नहीं, गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उसमें आपने जी करके दिखाया जी। सुरप्रीत जी हैं क्या, उनसे बात हो सकती है? जी सर। हेलो सुरप्रीत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आप हमसे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की उभरती समर्था विच नारी शक्ति की वड्डी भूमिका है। नामना खटन वालियां देश दियां महिलावां ते धियां दा जिक्र करदे उन्होंने कहा कि ये भारत अते भारत दे सुपनियां नूं ऊर्जा दे रहियां ने। मेरे प्यारे देशवासियों, ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है। आज भारत का जो सामर्थ्य
नए सिरे से निखर कर सामने आ रहा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिलहाल ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुशी की गल है कि हरेक देशवासी सौर ऊर्जा के महत्व को समझ रहा है और स्वच्छ ऊर्जा में अपना योगदान भी देना चाहता। इन दिनों पूरे विश्व में स्वच्छ ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी की खूब बात हो रही है। मैं जब विश्व के लोगों से मिलता हूं तो वे इस क्षेत्र में भारत की अभूतपूर्व सफलता की जरूर चर्चा करते हैं। खासकर भारत सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत के लोग तो सदियों से सूर्य से विशेष रूप से नाता रखते हैं। हमारे यहाँ सूर्य की शक्ति को लेकर जो वैज्ञानिक समझ रही है, सूर्य की उपासना की जो परंपराएं रही हैं, वो अन्य जगहों पर कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे खुशी है कि आज हर देशवासी सौर ऊर्जा का महत्व भी समझ रहा है और क्लीन एनर्जी में अपना योगदान भी देना चाहता है। सबका प्रयास की यही स्पिरिट आज भारत के सोलर मिशन को आगे बढ़ा रही है। मन की बात दी अज प्रसारित कड़ी विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर शहर के वासी सुखबीर सिंह संधु अते उन्हां दी पत्नी सुप्रीत कौर का जिक्र करदिआं उन्हां नाल गलबात भी की। एक आजादी घुलाटीए के परिवार नाल संबंध रखने वाले सुखबीर सिंह संधु सूबे के खेतीबाड़ी महकमे विच खेतीबाड़ी अधिकारी अते सुप्रीत कौर सरकारी स्कूल विच बतौर अध्यापका सेवावां निभा रहे ने। इस जोड़े ने अपनी सिर्फ 39 दिन की बेटी अबाबत कौर की किडनी किसी लोड़मंद नूं दान करके एक बेहद नेक अते महान काम किया। साडे संवाददाता शिशु शर्मा शांतल ने उन्हां नाल गलबात की। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯੰਗੈਸਟ ਡੋਨਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਔਨਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਔਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਅੰਗ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਧਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਆ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਸੂਚੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਨ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, DD ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ।
इस मौके अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सदका देश का आम नागरिक भी हवाई यात्रा के समर्थ होया है। उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी धर्मशाला के आले दुआले के खेत्र का आर्थिक विकास होएगा। उड़ान योजना का जिक्र करदे अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस योजना ने हवाई यात्रा नवे खंभ दिते ने। केंद्रीय शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम राही शिरकत करदियां सारयां नूं इस हवाई सेवा की शुरुआत ते वधाई दित्ती। देश विच कोविड ते इनफ्लुएंजा ते साह संबंधी गंभीर बीमारियां दे वधदे मामलों ते चर्चा करन लई केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कल 27 मार्च नूं सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे सीनियर अधिकारियों की एक मीटिंग सद्दी है। यह मीटिंग वर्चुअल तरीके नाल होएगी। मीटिंग विच कोविड ते इनफ्लुएंजा नाल नजिठण ते विचार किया जाएगा। इस दौरान मंत्रालय ने जारी अपनी एक एडवाइजरी विच कोविड ते इनफ्लुएंजा विच कई समानतावां दसदियां पूरी चौकसी वरतन लई आख्या है। मंत्रालय मुताबक यह तेजी नाल फैलदा है ते बच्चियां बजुर्गां ते गंभीर बीमारियां वाले लोगों नूं प्रभावित करता है। इन्हां दे लक्षण भी इक्को जिहे ने। मंत्रालय ने कहा कि इन्हां बीमारियां नूं आम जन सेहत मानकां दा पालन करके रोकिया जा सकता है। इन्हां विच भीड़ वालियां थावां ते ना जाणा अते हवादार इलाकियां विच रहणा शामिल है। इस दे नाल ही खंघ करदे जां छिक मारदे समय रुमाल की वरतों करन, भीड़ विच मास्क पाउणा अते वार वार हथ धोण की आदत पाउणी चाहीदी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप के वर्करां ने अज पंजाब विच वख-वख थाईं कांग्रेस आगू राहुल गांधी का विरोध करदिआं उसदे पुतले फूके। पटियाला दे आरिया समाज चौंक विच यूनिट के सूबा प्रधान हरीश सिंगला की अगवाई विच वर्कर इकट्ठे होए अते राहुल गांधी का पुतला साड़िया। शिवसेना ने यह कदम राहुल गांधी वालों यह कहण कि उन्हां दा नां सावरकर नहीं पर गांधी है दे रोस वजो चुकिया। हरीश सिंगला ने कहा कि वीर सावरकर देश लई आदर्श ने अते राहुल गांधी ने उन्हां नूं बदनाम करन दा यतन कीता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस बयान की सख्त शब्दों में निखेधी की जानी चाहिए है। हरीश सिंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत का नाम उच्चा किया है और उन्होंने वालों किए जा रहे कामों की जिनी भी शलाघा की जाए वह घट है। साडे देश विच इस तरह के कई विलखण व्यक्ति ने जिहड़े अपने कामों नाल देश विच हां पक्षी बदलाव लिया रहे हैं। उन्हों का अपनिया जड़ां नाल जुड़ा अपने सभ्याचार नाल लगा अते इस नूं आउण वालियां पीढ़ियां लई सुरक्षित करन दे यतन बेहद शलाघा योग ने। इसे लई ओह साडे कदम कहाउंदे ने क्योंकि समा बदल चुका है अते हुण आम लोगों के बेमिसाल कामों नूं भी पछाण मिल रही है अते देश नूं मिल रहे ने साडे कदम। इन्हां विचों एक ने हरी कथा कलाकार कोटा सचिदानंद शास्त्री। प्रसिद्ध हरी कथा कलाकार विचों एक ने आंध्र प्रदेश दे कोटा सचिदानंद शास्त्री जिन्हां नूं छोटी उम्र च हरी कथा दी कला च ट्रेनिंग हासिल है। सिर्फ तीसरी जमात तक सिक्ख्या प्राप्त शास्त्री जी दी भाषा ते बहुत मजबूत पकड़ है जिस ने उन्हां नूं कला च प्रसिद्ध बना दिता अते ओह पिछले 80 सालां तों इस कला नूं वधा रहे ने। మా ఇండ్లలో జరిగే శుభకార్యాల్లో ఇది ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్గా చెప్పాను. ఆ తర్వాత మా నాయనగారు పోయేటప్పటికి నాకు 14 అయ్యాడే. వారు పోయిన తర్వాత నాకు ఏ చదువు లేదు, సంస్కారం లేదు, ఏం రాదు. అందుకని ఇది ఒక చిన్న వృత్తిగా 4 మాటలు చెప్పడం మొదలెట్టాను. తర్వాత ఏమీ రాదు, ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు. కానీ సినిమాలు అవి చూడడం, లేదా నాటకాలు చూడడం, బుర్రకథలు వింటాం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండి ఊరికి యాచించడం బాగుండదు కదా అని ఏదో వ్యాపకంగా 4 మాటలు చెప్పి పాటలు పాడి చెప్పేవాడు. सच्चिदानंद शास्त्री एक हरिकथा आर्टिस्ट है और हरिकथा भी एक नैरेटिव फॉर्म है, एक ड्रामा फॉर्म है, एक स्टोरी टेलिंग फॉर्म है जो कथावाचक है और जो हम सूत्रधार कहते हैं ये भी पपेट्री से लिंक्ड है. ये शब्द ही सूत्रधार जो हु होल्ड्स द स्ट्रिंग्स जिसके हाथ में धागे है या सूत है कम्स फ्रॉम मे बी स्ट्रिंग पपेट्स बट ये कथाकार है और नरेटर बोला जाता है अंग्रेजी में थिएटर का. सो पूरी जो आर्ट फॉर्म्स जो है इन सम वे इज रिलेटेड जो पेंटिंग है या थिएटर है, डांस है, पपेट्री है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक
मेल मिलता है। हम लोग आजकल उनको एक अलग अलग डब्बे में डाल देते हैं कि दिस इज़ डांस, दिस इज़ पपेट्री, दिस इज़ पेंटिंग, बट मूल चीज़ जो है, जो कहानी किस तरह हम कह सकते हैं, और ये डायरेक्टर या आर्टिस्ट के ऊपर है। एक आर्टिस्ट पपेटियर हो सकता है, एक कलावाचक मतलब पेंटर हो सकते हैं, कोई स्कल्प्टर, कोई नाटक कर सकते हैं। हरी कथा का इतिहास बहुत पुराना है। इस तरह मन्या जाता है कि महर्षि नारद हरी कथा के आदर्श सन। हरी कथा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र अते कर्नाटक विच प्रचलित कहानी, कविता, संगीत, नाटक, नृत्य अते दर्शन नाल बनिया एक कला रूप है। प्राचीन समय च हरी कथा मनोरंजन दी एक हरमन प्यारी लोक कला सी, जेड़ी सिख्यक अते धार्मिक मूल नू जन जन तक पहुंचाउण दा माध्यम सी। अज इस कला नू सुरक्षित करके इस नू प्रोत्साहित कर रहे ने कोटा सचिदानंद शास्त्री। हरी कथा कलाकार कोटा सचिदानंद शास्त्री नू पद्म श्री पुरस्कार दे लई हार्दिक वधाई। खबरों के बुलेटिन साढ़े दर्शक RNUDDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ते ट्विटर हैंडल ते भी देख सकते ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चोन मियां खबरां एक बार फिर तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों नूं अंगदान लई अग्गे आउण दा सद्दा दित्ता। मन की बात प्रोग्राम विच कहा कि नारी शक्ति की ऊर्जा ही विकसित भारत की प्राणवायु है। मन की बात विच प्रधानमंत्री नाल अपने विचार सांझे करन वाले अमृतसर दे संधू परिवार दे लोकां नूं अंगदान करन दी कीती अपील। कोविड ते इन्फ्लुएंजा दे वधदे मामले ते चर्चा लई केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कल सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे अधिकारियां दी मीटिंग सद्दी। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ, नमस्कार।